हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बाय। लेकिन आज की न्यूज़ शुरू करें उससे पहले बोलना चाहूँगा कि आज बहुत गर्म है हमारे इधर, और उसके अलावा न्यूज़ भी बहुत ही गर्म गर्म होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। सो है फ्रेंड्स, मैं तो पोस्ट आप देख रहे हैं रेडमी 9i से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडमी 9i लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो उसकी प्राइस निकल के या फिर लीक निकल के आई है, अगर इस प्राइस में आता है तो भाई फोन धमाल मचा देने वाला है, क्योंकि इसकी प्राइस बताया जा रहा है कि 8000 रुपये होने वाली है। जी हाँ, 7999 रुपीज़। और इस प्राइस में आपको मिलेगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। एक और वेरिएंट में आएगा 4GB और 128GB। तीन कलर में आपको मिलता है, मिडनाइट ब्लैक, सी ब्लू एंड नेचर ग्रीन। और इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 और MIUI 12 देखने को मिलेगा। तो अगर ये 8000 रुपये के प्राइस में आ जाता है तो भाई धमाल मचा देगा रेडमी 9i। तो फ्रेंड्स, मोटो की तरफ से एक खबर निकल के आई है कि मोटो G9 Plus लॉन्च हो चुका है ब्राज़ील में। कोई अता पता नहीं कि ये इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं, लेकिन इस मोटो G9 Plus में आपको देखने को मिलता है 5000mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 730G SoC प्रोसेसर, उसके साथ साथ आपको 64MP मेन कैमरा मिलता है 30W फास्ट चार्जर के साथ, 4GB 128GB का स्टोरेज है। और पता जा रहा है कि मतलब कि ब्राज़ील के प्राइस के हिसाब से बताया जा रहा है कि इंडिया प्राइस जो है 31000। तो आपको क्या लगता है कि 31000 में इसका प्रोसेसर और इसका बैटरी आपको कैसे लगता है? ये न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर की तरफ से आ रही है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में एक नया फीचर आने वाला है जो आपका ऐप से वो आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड को भेज पाएंगे बिना कोई एप्लीकेशन की मदद से। मतलब कि मान लीजिए जिस तरह से आप रियलमी शेयर यूज़ करते हैं डायरेक्टली, या फिर कोई और ऐप जिस तरह से आप यूज़ करते हैं डायरेक्टली सेल कर पाएंगे, ठीक वैसे ही गूगल प्ले स्टोर में आपका जो ऐप से वो अपने नियर बाई फ्रेंड्स के कनेक्ट करके आप भेज पाएंगे बिना कोई एप्लीकेशन की मदद से। तो ये बहुत अच्छी फीचर होने वाली है जो एक गूगल में आएगा, अगर आएगा तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा जरूर कि ये किस तरह से काम करता है। अगला न्यूज़ रियलमी की तरफ से है कि रियलमी का एक नया फ़ोन C17 स्पॉटेड हुआ है गीक बेंच के ऊपर, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 760 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और ये 6GB रैम के साथ आएगा। तो आपको क्या लगता है कि यह रियलमी सी सीरीज का और भी फोन आने वाला है C17? तो देखते हैं आगे और भी डिटेल निकल के आएगा C17 के बारे में। तो रियलमी धड़ाधड़ फोन निकलते ही जा रहा है, कोई खरीद पा रहा है या फिर किसी के हाथ में आए उससे पहले एक नया फ़ोन लॉन्च कर देता है रियलमी। अगले न्यूज़ पोको की तरफ से है कि पोको का जो पोको लॉन्चर है उसका एक नया वर्जन निकल के आया है, वर्जन 2.7.4.10 अपडेट ऑल आउट हो चुका है। कुछ बग्स फिक्स हुए, कुछ परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। अगर आपके पास पोको का फ़ोन नहीं है तो आपको यह अपडेट आ जाएगा लॉन्चर के ऊपर, तो आप एक बार देख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार। इंस्टाग्राम पर या फिर वीडियो खोलना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा।